हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिफ्थ हार्मोनिक में है। तो ये वेव की इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, पढ़ के भी आए हैं नोड्स एंटी नोड्स। स्टैंडिंग वेव की एक साइन और एक कॉस 2π / लैम्डा इनटू x और ओमेगा t। तो क्या निकालना है इसमें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। कंपेयर करो इससे, इन इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर करके 2π / लैम्डा 62.8, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में लेंथ और लैम्डा का रिलेशन ये था, फिफ्थ हार्मोनिक में n 5 है तो ऊपर से लैम्डा आ गया, तो यहां से लेंथ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, हॉलो पाइप है जिसकी लेंथ गिवन है क्लोज एट वन एंड, एट इट्स ओपन एंड 0.5 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड हार्मोनिक एंड रेजोनेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। एक पाइप है, सामने स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है उसका जो सेकेंड हार्मोनिक है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो हार्मोनिक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L√T/μ, और पाइप की क्या होती है, V/4L। तो यहां से सारी टर्म गिवन, एक टर्म निकालनी है, मेन स्टेटमेंट यही थी इसकी। जैसे ये रहा वेव की क्वेश्चन, कभी भी ऐसी गिवन हो 2π बाहर है, मल्टीप्लाई करो इसे पहले, ओपन करो, तो आपको म्यू गिवन है, टेंशन निकालनी है। ये इक्वेशन 2π से मल्टीप्लाई करके ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां से के और ओमेगा आ गया, ओमेगा और के आ गया, तो यहां से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई √T/μ होता है, यहां से टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इजी क्वेश्चन है, तो